सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस मिल सके आपको सबसे पहले। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को विधानसभा के वोट्स डलने वाले हैं, इसलिए राजनेताओं की आवाजाही और लुभावने वादों की झड़ियां देखने को मिल रही है। इससे हटके आज हम सभी समीकरणों के हिसाब से गुजरात का ओपिनियन पोल बताएंगे। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और अखिलेश ठाकुर की कांग्रेस के साथ जुड़ने से कांग्रेस बहुत उत्साहित है, पर क्या सच में कांग्रेस मोदी के गुजरात के किले को भेदने में सक्षम है? हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस को समर्थन देने का विचार कर रहे हैं। अगर इनका समर्थन मिल जाए तो कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ सकती है। अभी गुजरात में 182 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से 120 बीजेपी और कांग्रेस के पास सिर्फ 43 सीट्स हैं, 4 अन्य के पास और 15 अभी खाली पड़ी हैं। और अगर बात करें 2017 के हमारे ओपिनियन पोल की, तो उसके हिसाब से बीजेपी 105 से 110 सीट्स तक जीत सकती है और कांग्रेस को 65 से 70 सीट्स मिलेंगी। और अगर हार्दिक और जिग्नेश भी कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं, उस सूरत हाल में कांग्रेस को 10 से 15 सीट्स का फायदा, यानी कांग्रेस 75 से 80 सीट्स जीत सकती है और बीजेपी को वहीं 10 से 15 सीट का नुकसान हो जाएगा, तो बीजेपी 95 सीट्स पर आ जाएगी। पिछले 2 महीनों का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इस प्रकार है कि कांग्रेस की सीट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी की काफी तेजी से वही सीट्स कम होती जा रही हैं। अभी चुनाव को 1 महीना है, अगर इसी तरह ट्रेंड चलता रहा तो बीजेपी को कांग्रेस पटखनी दे सकती है। और अगर कांग्रेस गुजरात जीत जाती है तो राहुल गांधी की 2019 में प्रधानमंत्री की दावेदारी काफी मजबूत हो सकती है।